आज भगवान चारभुजनाथ की रेवड़ियाँ निकाली गई। आज भगवान चारभुजनाथ को जल विहार कराया गया। आज है जलजूलनी ग्यारस, भद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशमी। इसे पद्मा एकादशमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार के रूप की पूजा की जाती है। आज के दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। मंदिरों में इस दिन भगवान के विष्णु रूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा के रूप में मंदिर से बाहर निकालकर गांव व शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांव व शहर के मुख्य सरोवर तक यह शोभा यात्रा पहुंचती है, जहां भगवान श्री विष्णु को स्नान कराया जाता है। इस दौरान भगवान श्री हरि के दर्शन करने को जन सैलाब उमड़ पड़ता है। हर कोई श्री हरि के दर्शन पाने को आतुर रहता है। वह बच्चे व बुजुर्ग तथा महिलाएं पुरुष पालकी के नीचे से निकलकर सुख समृद्धि की कामना करती है। जलजूलनी ग्यारस से भगवान श्री कृष्ण भगवान की रेवाड़ी शहर व गाँव में निकाली गई। आज अजमेर जिले के श्रीनगर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं अरणका ग्राम पंचायत सहित अन्य गाँवों में भी जलजूलनी ग्यारस के दिन भव्य मेले का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले के धनौब ग्राम पंचायत में भी श्री कल्याण धनी का मेला आयोजित हुआ। इस दिन भगवान श्री कल्याण धनी की रेवाड़ी निकाली गई। रेवाड़ी के दौरान महिला एवं पुरुष भजन एवं कीर्तन गाते हुए आगे आगे चल रहे थे। जलजूलनी एकादशी के अवसर पर श्रीनगर ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिनमें विजेता टीमों को ग्राम पंचायत व मेला कमेटी की ओर से पुरस्कार वितरित किए गए। जलजूलनी एकादशी पर श्रीनगर में आयोजित यह मेला क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। इस दिन ग्रामीण एवं आसपास के किसान मेले में बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। थाना अधिकारी कंवरपाल सिंह पूरी व्यवस्थाएं संभाले हुए थे। वहीं ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रामकरण यादव तथा एकादशी के अवसर पर गठित मेला कमेटी ने आए हुए भक्तों की पूर्ण व्यवस्था का इंतजाम कर रखा था। विभिन्न प्रतियोगिता के दौरान पूरा कवरेज किया हमारे पत्रकार रघुनंदन पारिक ने। तो मेले में कबड्डी प्रतियोगिता होती है, रस्साकशी होती है और वो क्या है अपने जली ब्रेस होती है और बहुत सारे होते हैं ऐसे। विजेता टीम कौन रही आज की? विजेता टीम सराधना और सेकंड बड़के बालाजी अजमेर HMT और सेकंड। बताइए आप ये आपके मुख्य अतिथि और अध्यक्ष कौन रहे आज के यहाँ की सभा में? यहाँ के मुख्य अतिथि है आज वो श्रीनगर ग्राम पंचायत के सरपंच चंद्रकांत राठी और हमारे भामाशाह सरपंच श्री रामकरण जी यादव है और ये मेला के बारे में जानकारी देंगे। सर आज जलजूलनी ग्यारस है और श्रीनगर का बताया जाता है कि सबसे बड़ा मेला है, उसके बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? ये हमारे गांव का श्रीनगर का सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में पहली बात तो मेले से लोगों में आपसी मेल मिलाप भाईचारा आपसे प्रेम बढ़ता है और इसमें जो कबड्डी की प्रतियोगिता होती है ये एक बहुत ही सराहनीय खेल है जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जो क्रिकेट जैसी गुलामी के गेमों से बचकर हमारे भारतीय संस्कृति का गेम कबड्डी को यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित करने का एक इसी मेले के माध्यम से हमारे सभी नवयुवक और लोगों के लिए ये खेल प्रेरणादायी है। हाँ बोलिए साहब। और ये कितनी आपके रेवाड़ियाँ आती हैं? यहाँ से 7 रेवाड़ियाँ आती है और अलग अलग समाज के हिसाब से पुरानी परंपरा बहुत लंबी है इसकी तो गाथा, और इसमें सभी को अलग अलग मंदिरों से आकर यहाँ पर सबका तालाब के अंदर स्नान कराकर पूजा पाठ कराकर
सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है और सभी लोगों को सभी मंदिरों के एक साथ दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की धनौब ग्राम पंचायत स्थित श्री कल्याण धनी चारभजनाथ मंदिर में एक जलजूलनी एकादशी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इससे पूर्व श्री कल्याण धनी की आरती की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए। श्री कल्याण धनी के प्रसाद के स्वरूप साबूदाने की खीर आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित की गई। श्री कल्याण धनी मंदिर वर्षों पुराना एवं प्राचीन मंदिर है। लोगों की यह आस्था का केंद्र है।